नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पायोजेनिक लीवर डिजीज़ यानी कि लीवर एब्सेस की। लीवर एब्सेस जो एक बहुत बड़ी समस्या होती है और अपने जिस परिवार में किसी को यह समस्या हो जाती है पूरा परिवार परेशान रहता है। लीवर साथियों एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है बॉडी का, बहुत वाइटल ऑर्गेन है जो 400 से ज़्यादा मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। लेकिन जब अपने लीवर में एब्सेस हो जाता है यानी लीवर में पस बन जाता है तो ये जो फंक्शन होते हैं 400 या इससे ज़्यादा फंक्शंस होते हैं यह डीरेंज हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं। और जब यह डीरेंज हो जाते हैं तो आपके शरीर को समस्या होती है। इसलिए अगर किसी को लीवर एब्सेस का कंडीशन है तो उसे डॉक्टर को भी तुरंत दिखाना चाहिए और इसके लिए जो भी संभावित कदम है सारे उठाने चाहिए कि आपके लीवर का जो इन्फेक्शन है वह ठीक हो जाए। हम आपको बताएंगे पायोजेनिक लीवर एब्सेस यानी लीवर एब्सेस यानी PLA को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि लीवर एब्सेस होता क्या है। साथियों, लीवर एब्सेस का पूरा नाम पायोजेनिक लीवर एब्सेस है और पायोजेनिक का मतलब होता है पस फॉर्मेशन, यानी जब भी आपके लीवर में पस फॉर्मेशन होता है वह ही पायोजेनिक लीवर एब्सेस की स्थिति होती है। अब पायोजेनिक लीवर इन्फेक्शन कब होता है, पस कब बनता है? पस साथियों आपका तब बनता है जब आपके लीवर में कोई इन्फेक्शन होता है और जो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ाई का प्रयास करता है और लड़ाई में जीतता भी है। जीतने के बाद जो डेड सेल बनते हैं वही पस होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें हो जाता है। और वह पस आपका जब ड्रेन नहीं हो पाता है लीवर से और लीवर के ही किसी पॉकेट में फ्लूइड में फिल हो जाता है, वही स्थिति आपका लीवर एब्सेस की स्थिति होती है। यह एक भयावह स्थिति है, खतरनाक स्थिति है, तुरंत मेडिकल अटेंशन मांगती है। बात कर लेते हैं साथियों इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स साथियों लीवर एब्सेस का, वेट लॉस एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। लीवर आपके राइट साइड रिब्स के नीचे या रिब्स के पीछे होता है तो यहाँ पर आपको पेन होता है, यानी राइट साइड रिब्स जहाँ पे आपकी ख़त्म होती है वहाँ आपके पेन होता है। लोअर एब्डोमेन में आपके पेन होता है, आप फीवरिश होते हैं, आपको वॉमिटिंग महसूस होती है, आपको बाइल आता है और आपका वेट लॉस होने लगता है। यह सब इसके मुख्य सिम्टम्स हैं। बात कर लेते हैं इसके कॉजेस की। साथियों पायोजेनिक लीवर एब्सेस का बहुत सारा कॉज होता है, जिसमें कि सबसे बड़ा कॉज जो होता है पायोजेनिक लीवर एब्सेस का वो आपका ट्रॉमा या लीवर का स्लगिश काम करना होता है। इस तरह के तमाम कारण हैं जो आपके हो सकते हैं। किसी ने कभी जो आपके बाइल के ट्यूब होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो एक कॉज होता है। कभी कोई एंडोस्कोपी कराया होता है, उससे जो डैमेज होता है उस गट में, उससे जो है वह आपको लीवर एब्सेस हो सकता है। इस तरह तमाम कारण है जो आपको लीवर एब्सेस कॉज कर सकते हैं। होम्योपैथी में साथियों लीवर एब्सेस की अच्छी दवाएं हैं, कारगर दवाएं हैं। हम आपको बताएंगे उसको ठीक करने की 10 कारगर दवाएं और उन दवाओं के माध्यम से प्रयास करेंगे कि आपके मन में जो भी लीवर एब्सेस, आपके परिवार या रिश्तेदार को किसी को लीवर एब्सेस है, आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उसको दवा के फॉर्म में, सिम्टम के रूप में जवाब हम दवा के फॉर्म में दे दें। लेकिन ये साथियों बता दें, यह आपकी जानकारी के लिए दवाएं हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। होम्योपैथी में सिम्टम व्यक्ति टू व्यक्ति भिन्न हो सकते हैं। चलते हैं साथियों सफ़र पे। आपको बताते हैं पायोजेनिक लीवर एब्सेस यानी लीवर एब्सेस यानी PLA को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों लीवर एब्सेस का मतलब लीवर में पस, और अगर आपका ये लीवर का पस सूख जाए तो आपका लीवर एब्सेस ठीक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और इसी श्रृंखला की हमारी दवा है या सबसे इंपॉर्टेंट दवा है लीवर एब्सेस को ठीक करने की, और दवा का नाम है हिपरसल्फ्यूरिस। हिपरसल्फ 1 mg पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर आप हफ्ते में एक बार वीकली उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके लीवर में पस पड़ा हो, आपके राइट साइड रिब्स के नीचे चलने से बहुत पेन होता हो और आपका एब्डोमेन डिस्टेंडेड यानी कि गैस से भरा रहता हो। अगर यह सिम्टम हो तो हिपरसल्फ आपकी लीवर एब्सेस को ठीक करने के एक मील का पत्थर दवा साबित हो सकती है। आपके लीवर एब्सेस को पस को सुखा के ठीक
कर सकती है। हिपरसेल्फ का साथियों एक और सिम्टम होता है जिसको आप अपने संज्ञान में ले सकते हैं। हिपरसेल्फ का मरीज को सर्दी और गर्मी दोनों ज्यादा लगती है और सर्दी और गर्मी चेंज ऑफ वेदर से जो उसकी हाइपर सेंसिटिविटी होती है उससे उसको जल्दी कोई भी बीमारी हो जाती है। जैसे कि कुछ लोग होते कहते साहब एकदम से गर्मी में गए तो नज़ला हो गया, एकदम से सर्दी में आए तो नज़ला हो गया, सुबह उठे तो चीखे आने लगी। तो इस तरह का जो मॉर्निंग और इवनिंग का एग्रावेशन होता है यह हाइपरसेल्फ का एक कीनोट सिम्टम है। तो अगर आपके लीवर में पस है जो कि लीवर एब्सेस में होता है तो उसको सुखाने की सबसे अच्छी दवा हिपरसल्फ्यूरिस है। एक साथियों स्थिति आती है लीवर एब्सेस के केस में कि आपके राइट साइड बहुत तेज पेन हो रहा है रिब्स के नीचे और वह जलन पैदा कर रहा है, बर्निंग पैदा कर रहा है। तो अगर यह कंडीशन आपके है कि आपके राइट साइड पेन हो रहा है और वह बहुत जलन बर्निंग पैदा कर रहा है तो उस कंडीशन को ठीक करने की बहुत कारगर दवा साथियों आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम 30 दो बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके राइट साइड रिब्स के नीचे जलन हो रही है, आपको थोड़े थोड़े वक्त पे प्यास लगती है, आपको एंजाइटी बहुत रहती है, आपकी तकलीफें रात में 12 से 2 के बीच में बढ़ती हैं और आपको लिवर एब्सेस है। अगर यह सिम्टम आप में है साथियों तो लिवर एब्सेस आपका को सही करने की ड्रग ऑफ द चॉइस आर्सेनिक एल्बम है। यह दवा आपको पूर्णतया ठीक करने में सक्षम है। फिर साथियों एक स्थिति आती है किसी भी पेशेंट के कि आपके ग्लैंडुलर एब्सेस हो गया हो, यानी कि आपके किसी ग्लैंड में एब्सेस हो गया हो और ग्रीनिश कलर के पस का डिस्चार्ज हो रहा हो। अगर यह कंडीशन है जो कि लिवर एब्सेस के केस में काफी पाई जाती है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा मर्क सॉल है। आप मर्क सॉल्युबिलिस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका लिवर एब्सेस ठीक होने लगा उस स्थिति में जब उसमें ग्रीनिश डिस्चार्ज का आपको अपने डॉक्टर से मालूम पड़े। अगर आपको ऐसा मालूम पड़ता है जब वो ड्रेन करता है पस को तो उसमें ग्रीनिश पस निकलता है, अगर डॉक्टर आपसे ये कहता है तो उस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा मर्क सॉल्युबिलिस है। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपको खाने के बाद तकलीफें बढ़ गईं। जब आपने भोजन करा, भोजन करने के बाद आपको राइट साइड एब्डोमेन में पेन होने लगा और यह पेन आपके राइट कंधे तक एक्सटेंड कर गया, चला गया। तो अगर यह स्थिति हो कि आपको खाने के बाद आपके लिवर में पेन होने लगता हो तो उसको ठीक करने की बहुत कारगर होम्योपैथिक दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। जब आपको खाने के बाद आपकी तकलीफें लिवर एब्सेस के केस में बढ़ जाती हों, आपके राइट साइड एब्डोमेन में पेन होने लगता हो और राइट कंधे पे पेन होने लगता हो और आपका पेट पूरा गैस से भरा रहता हो, आपको पेट में गुड़गुड़ाहट होती हो, पेट यानी पेट के निचले हिस्से में गैस बनती हो, लोअर एब्डोमेन में गैस बनती हो, यह स्थिति हो तो इसको ठीक करने की नंबर एक दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। आप लाइको 30 पावर में लेके अपने गैस को खत्म कर सकते हैं, पेट की गुड़गुड़ाहट को खत्म कर सकते हैं और लिवर एब्सेस को भी ठीक कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों आप में आती है, आ सकती है, किसी में आ सकती है, आप में ना है, हम तो दुआ करते हैं किसी को लिवर एब्सेस ना हो, लेकिन अगर किसी को लिवर एब्सेस है तो एक कंडीशन आ सकती है कि उसके राइट साइड रिब्स के नीचे और एब्डोमेन में अनबियरेबल पेन हो रहा हो। तो अगर आपकी यह स्थिति है कि आपको अनबियरेबल पेन हो रहा है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कैमोमिला है। आप कैमोमिला 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके राइट साइड रिब्स के नीचे लिवर एब्सेस के कारण होने वाले पेन को खत्म करने में पूर्णतया सक्षम है। एक स्थिति आती है साथियों लिवर एब्सेस में, वह है तेजी से वेट लॉस। अगर आपके लिवर एब्सेस है और आपके तेजी से वेट लॉस हो रहा है, मेसिएशन हो रहा है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सल्फर। आप सल्फर 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली लिवर एब्सेस के कंडीशन में उस सिम्टम पे ले सकते हैं कि जब आपके सर्दी बहुत ज्यादा लगती हो, आपका वेट लॉस बहुत तेज हो रहा हो, आपको फीवर बना रहता हो, आपको नहाना बहुत ज़्यादा पसंद ना हो और आपको खाने में मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद हो। अगर यह 5 सिम्टम आप में हैं
तो और आपको लिवर एब्सेस है तो आपको ठीक करने में पूर्णतया सक्षम दवा सल्फर है। इसकी 3 खुराक आप हफ्ते में लेकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों लिवर एब्सेस के केस में कि आपके पतले डार्क कलर्ड पस का डिस्चार्ज हो रहा हो जो बहुत ऑफेंसिव हो, बदबूदार हो। अगर यह स्थिति है लिवर एब्सेस के केस में, जब आपके डार्क कलर्ड पस का डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा लेकैसिस है। आप लेकैसिस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके पस का डिस्चार्ज हो रहा हो, वह थिन हो, विस्किड हो, विस्किड यानी चमकदार हो, ब्लूश टिंट लिए हुए हो और आपकी तकलीफें रात के वक्त बढ़ती हो, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस लेकैसिस है। आप इसकी 3 खुराक वीकली लेके लिवर एब्सेस के केस में राहत पा सकते हैं। एक साथियों कंडीशन आती है लिवर एब्सेस के केस में कि अगर आपको पायोजेनिक लिवर एब्सेस है तो आपके काफी ज्यादा पेन राइट साइड रिस्ट के नीचे हो सकता है। अगर आपके यहाँ राइट साइड बहुत ज्यादा पेन हो, छूने से भी आपकी तकलीफ बढ़ जाती हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा नक्स वोमिका है। आप नक्स वोमिका 30 पावर में 2-2 बूंद 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपके अनबियरेबल पेन राइट साइड लोअर एब्डोमेन में छूने पर भी होता हो, आपका पेट साफ ना होता हो, यानी आप मुंह से कई बार जाते हो लेकिन पेट ना साफ होता हो, आपको सर्दी ज्यादा लगती हो और आप थोड़े सेंसिटिव नेचर के हों, अगर यह सब कंडीशंस है तो नक्स वोमिका आपके लिवर एब्सेस को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके लिवर एब्सेस हो और आपको बुखार आ गया हो, तो अगर आपके लिवर एब्सेस है और उस केस में आपको फीवर आ रहा है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा, और अगर यह सिम्टम आपके मैच करता है तो लिवर एब्सेस को भी ठीक करने की बहुत कारगर दवा कार्बो वेजिटेबलिस है। आपको कार्बोवेज 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपके फीवर को भी उतारेगी, आपके लिवर एब्सेस को भी ठीक करेगी, और अगर आपके अपर एब्डोमेन में फ्लैचुलेंस रहती है, गैस बनती है, तो उसको भी पूर्णतया ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि आप जब राइट साइड करवट लेके लेटे, दाईं तरफ की करवट लेके जब आप लेटे, तो आपको यहां बहुत तेज पेन हुआ, रिब्स के नीचे बहुत तेज पेन हुआ। अगर वह स्थिति है साथियों तो उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा और लिवर एब्सेस को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा फास्फोरस है। आप फास्फोरस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं उस कंडीशन में जब आपके राइट साइड करवट लेने से आपके रिब्स में पेन बढ़ता हो, आपको क्रॉनिक डायरिया हो, यानी आप कुछ खाते हो तो आपको मोशन जाना पड़ता हो, शाम के वक्त आपकी तकलीफें बढ़ती हों और आपको ठंडी चीजें खाना बहुत पसंद हो। अगर यह 4 सिम्टम आप अपने में क्लासिफाई कर पाते हैं, ढूंढ पाते हैं, तो आपको लिवर एब्सेस को ठीक करने की एक बहुत कारगर दवा फास्फोरस है। इसकी 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें और देखेंगे कि आपका लिवर एब्सेस ठीक होने लगा। एक स्थिति साथियों लिवर एब्सेस में सिम्टम आ सकता है कि किसी को लिवर एब्सेस हो और जब वो लेटा रहता हो तो उसको बहुत आराम रहता हो, लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू करता हो, जैसे ही वो मोशन में आता हो, वैसे ही उसकी तकलीफ बहुत बढ़ जाती हो। अगर यह कंडीशन लिवर एब्सेस के केस में आपके सामने है तो उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में ब्रायनिया एल्बा है। ब्रायनिया एल्बा 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में दी जा सकती है जब आपको भूख बिल्कुल ना लगती हो, आप जब रेस्ट करते हो तो आपको पेन खत्म हो जाता हो, बहुत आराम रहता हो, लेकिन जैसे ही आप चलना शुरू करते हो आपकी तकलीफें बढ़ जाती हो और आपको लंबे वक्त में प्यास लगती हो, एट लॉन्ग इंटरवल्स आपको प्यास लगती हो, अगर यह कंडीशन आप में हो तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस ब्रायनिया एल्बा है। इसकी 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके आप अपने को राहत पा सकते हैं। फिर साथियों कंडीशन आ सकती है लिवर एब्सेस में कि आपको लिवर एब्सेस हो और आपको ब्लड पॉइजनिंग हो गई हो।
अगर यह स्थिति आपको हो कि आपके लिवर एब्सेस हो और आपके पूरे ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाए, पूरा एरिया आपका इन्फेक्टेड हो जाए, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा इचिनेशिया है। आप इचिनेशिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके लिवर एब्सेस को भी ठीक करेगी और आपके ब्लड पॉइजनिंग की जो कंडीशन है उससे भी आपको बाहर निकालने में सहायक होगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपके पायोजेनिक लिवर एब्सेस को ठीक करने की। दवाएं साथियों बहुत कारगर हैं, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे बिना न लीजिएगा, क्योंकि होम्योपैथी में हर व्यक्ति के सिम्टम के हिसाब से समस्याएं भी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। लेकिन एक दवा साथियों है जो आप सबके लिए काम की है। अगर आपको लिवर की कोई भी दिक्कत है जिसमें कि लिवर एब्सेस भी शामिल है, तो लिवर को बचाने के लिए, लिवर को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत कारगर दवा है, और दवा है चेलिडोनियम मेजस। आप चेलिडोनियम मेजस का मदर टिंचर 20 ड्रॉप 2 टाइम्स ले सकते हैं, यानी 20 ड्रॉप सुबह आधे कप पानी में और 20 ड्रॉप इवनिंग में आधे कप पानी में। यह एक दवा जो निश्चित रूप से आपको लिवर का कोई भी एलिमेंट हो जिसमें कि PLA यानी पायोजेनिक लिवर एब्सेस भी शामिल है, उन सब दिक्कतों में आराम देके आपके लिवर को ताकतवर बनाएगी। ये साथियों दवाएं थी आपके लिवर एब्सेस को ठीक करने के लिए, आपको होम्योपैथी के करीब लाने के लिए। अगर आपको साथियों यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, औरों को प्रेरित कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन के जो आइकन है उसको क्लिक करके आप सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। Thank you.